नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज़ चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। बंद फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या कर शव फैक्ट्री के अंदर पड़ा मिला। जी हां, बता दें सीओ फॉरेंसिक जांच टीम पुलिस बल मौके पर जांच में जुटे। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद इंडस्ट्री एरिया में बंद फैक्ट्री विकास इंडस्ट्री में चौकीदार के पद पर उदयवीर पुत्र श्रीचंद उम्र 70 वर्ष चौकीदार के पद पर कार्य हेतु रात में फैक्ट्री के अंदर लेटता था। सुबह बेटा रमेश उर्फ छोटे खाने देने आए, फोन किया, फोन नहीं उठा तो अंदर जाकर देखा तो उदयवीर मृत अवस्था में चारपाई पर पड़े हैं। रमेश ने सूचना परिजनों को दी, पुलिस को दी। पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे। सीओ कमलेश कुमार, कोतवाल प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक जांच टीम बुलाई। फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़ और डीबीआर भी गायब। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना पर पहुंची महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। रमेश जी, क्या घटना हुई है? किसी ने मार दिए हैं। किसको? मेरे पिताजी को। क्या करते थे यहाँ? भाई फैक्ट्री में नौकरी 20 साल हो गए। जी, कितनी उम्र थी? 63 साल। क्या कार्य करते थे यहाँ? पाइप बांधते थे सीमेंट के। क्या लग रहा है, क्या हुआ है? गेट लगा हुआ है, मैं अंदर कूदे गया था, सुबह से फोन कर रहा था, किसी ने बोला नहीं। तब मैं अंदर बगल से बैठे रहे थे मालिक, मैंने कि मेरे को कोई लगाए, उनको ठहर रहा था बगल में मालिक हैं तेनों के। तब तो उन्होंने कहा कूद के देख, तब मैं ऊपर कूद के देखा तो चांद पड़े हुए सर पर बता हुआ। चौकीदार की डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये देखिए, सिकोहाबाद का फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे ये एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 माह से बंद पड़ी है, इसमें एक चौकीदार रहता था। तो आज सूचना मिली लगभग 11 बजे के पास पुलिस को कि उसकी जो है इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अभी जो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जांच की जा रही है, सारे तथ्यों को देखा जा रहा है कि क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है या किसी अन्य वजह से यह हत्या हुई है। अभी जो है हमारी टीम लगा दी गई है, अभी थाना प्रभारी के साथ जो हमने और 2 टीमें बनाई हैं जो CCTV आसपास की जो है उसको छानबीन करेगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जाएगा। हत्या गोली लगने से हुई है या कोई भारी वस्तु? देखिए, अभी उसको एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोई बुलेट मिला नहीं है हमें यहाँ पे, लेकिन अब देखने से सर पे चोट के निशान है, तो पोस्टमार्टम के बाद चीजें जो है क्लियर हो पाएंगी। उनकी 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। आपका जाना पहचाना भरोसेमंद नाम सूफी टेलर्स। हमारे यहाँ किफायती रेटों में कोट पैंट, जैकेट, शेरवानी बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ सभी तरह का कपड़ा भी उचित रेटों में उपलब्ध है। दीपावली के मौके पर बेहतरीन ऑफर, कोट पैंट की सिलाई मात्र 2500 रुपए, 3 पीस सूट की सिलाई 3000 रुपए में सिलवाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
हमारा पता है सूफी टेलर्स, शान मोहम्मद उर्फ शानू, मोबाइल नंबर 9058878380 और 7055089620। नैनी ग्लास कारखाने के सामने अशरफ गंज रोड फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में एकमात्र डांस क्लास जो प्रयाग संगीत समिति अलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है, तथा जहां एक ही स्थान पर क्लासिकल डांस, हिप हॉप, बॉलीवुड जुम्बा के साथ साथ सिंगिंग, ड्राइंग तथा इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता है। साथ साथ हमारे यहां बीए तथा एमए की शास्त्रीय गायन की कक्षाएं भी संचालित हैं। हमारा पता है जलेसर रोड सिद्धि विनायक मार्केट के सामने। फाउंडर डॉक्टर स्नेहा लता शर्मा, मोबाइल नंबर 9045672659 तथा 8192025199।